नमस्कार, मैं आंचल आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हेल्थ मीटर में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके लिए एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ, हेल्थ के रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ और मोटापे के रिलेटेड वीडियोस लेकर आती हूँ। आज के वीडियो का विषय तो आप जान ही गए होंगे कि पारद शिवलिंग के बारे में मैं आपको उसका महत्व बताने जा रही हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि शिवरात्रि आ रही है, 21 फरवरी के दिन शिवरात्रि है, तो इस दिन अगर पारद शिवलिंग की पूजा की जाए तो क्या लाभ मिल सकता है। देखिए, आप सब जानते हैं कि भोले बाबा कितने भोले हैं और कितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं, लेकिन कुछ स्पेशल तरीके से अगर पूजा कर ली जाए तो उसका फल दुगना, कई बार 100 गुना ज्यादा मिलता है। इसी प्रकार आज मैं आपको पारद शिवलिंग के बारे में बताना चाहूंगी। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है या फिर वो बाबा शिव, भोले शिव को बहुत जल्दी पाना चाहते हैं, उनकी कृपा को पाना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो को अच्छे से और एंड तक जरूर सुने। बहुत ही सिंपल चीज आज मैं बताने जा रही हूँ जिससे आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो सकती है। जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, पारद शिवलिंग की पूजा करने से वो संतान की प्राप्ति उन्हें बहुत ही आसानी से होगी, क्योंकि जो शिव भगवान है वो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं पारद शिवलिंग की पूजा करने पर। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं कि क्या घर पर हम शिवलिंग रख सकते हैं, तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि जो शिव बाबा है वो हमारे पिता हैं, हमारे परमात्मा हैं, तो उनको घर में रखने से कोई भी आपके मन में शंका नहीं लानी चाहिए। जो पत्थर का शिवलिंग होता है जिसकी स्थापना करते हैं वो घर में नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो पारद शिवलिंग होता है उसको आप आसानी से घर पर रख सकते हैं। और चाहे आप नॉनवेज का सेवन करते हो, फिर भी कोई आपको उसमें कोई मन में वहम लाने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर भी आप उन्हें घर पर पूजा रूम में रख सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या है, कैसे पूजा करनी है, वो मैं सब आपको आज की वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी जो पारद शिवलिंग, जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, वो अभिमंत्रित पारद शिवलिंग माना जाता है, उसको अपने घर के पूजा स्थान में अगर आप रखें तो वो बहुत ही ज्यादा आपको भगवान की कृपा देगा, शिवजी जी की कृपा देगा। इस शिवरात्रि हम पारद शिवलिंग अभिमंत्रित कर रहे हैं, अगर वो आप खुद अभिमंत्रित करना चाहते हो उसकी भी मैं विधि आपको बता दूंगी। लेकिन इस जो शिवरात्रि आ रही है बहुत ही बड़ा दिन है, इस दिन भगवान शिव की कृपा हम पर रहती है, इस दिन कुछ भी अगर अभिमंत्रित किया जाए तो उसका बहुत अच्छा असर हमें मिल सकता है। इसे आप खुद भी अभिमंत्रित कर सकते हैं, मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन पहले मैं आपको इसके लाभ बताना चाहूंगी। जिन लोगों पर कोर्ट कचहरी के चक्कर चल रहे हैं, अगर वो पारद शिवलिंग की पूजा अपने घर पर अपने पूजा स्थान में करें तो उन्हें बहुत लाभ मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि आपको रोज पूजा करनी है, रोज नियम अनुसार जल चढ़ाना है पारद शिवलिंग के साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जब समय मिले, आपको जब अच्छा लगे, आप जल चढ़ा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ स्पेशल तरीके से विधि से पूजा करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। भोले बाबा जो हैं वो बहुत ही हैं, बहुत ही भोले तरीके से खुश हो जाते हैं, तो आप केवल जल पानी का जल भी चढ़ाएंगे तो वो भी उन्हें स्वीकार वो भी करते हैं। लेकिन जो पारद शिवलिंग होना चाहिए वो अभिमंत्रित होना चाहिए। उसे आप खुद कैसे अभिमंत्रित कर सकते हैं, आप अच्छा पारद शिवलिंग ले आइए, ओरिजिनल हो वो, आप कोई मतलब जहां भरोसा हो वहां से खरीदिए और आप इसको शिवरात्रि से पहले ले आइए, शिवरात्रि के दिन इसे आप अभिमंत्रित कीजिए। 5 ब्राह्मण बुलाने हैं आपको घर पर, 5 ब्राह्मण कट्ठी 51-51 आहुतियां देंगे, कट्ठी 51-51 आहुतियां देंगे, हवन करेंगे और उस दिन आपको निराजल, आपको बिना जल के आपको उपवास रखना है, खाना तो खाना ही नहीं है, जल का सेवन भी नहीं करना, और आपके घर में जो बाकी सदस्य हैं वो भी उपवास में रहें। अगर वो पूरा दिन खाए बिना नहीं रह सकते तो केवल एक टाइम भोजन कर सकते हैं, वो भी रात्रि में 12 बजे के बाद, और जल का सेवन भी किसी को नहीं करना, वो भी वो एक बार रात को ही कर सकते हैं। ये बहुत कठिन है मैं जानती हूँ, लेकिन जो लोग खुद करना चाहते हैं उनको मैं ये विधि बताने जा रही हूँ कि 51 आहुतियाँ ब्राह्मण देंगे और खाना कुछ नहीं है, प्याज लहसुन का
सेवन नहीं करना इस दिन, और अगर आप इसको खुद अभिमंत्रित कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए है। और घर पर कोई मेहमान ना आए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो घर पर आएंगे, हो सकता है उन्होंने प्याज लहसुन का सेवन किया हो, तो आपका जो यज्ञ होगा खंडित हो जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर मेहमान आए तो वो भी उपवास में रहें और कोशिश करें कि मेहमान ना आए। अगर आप अभिमंत्रित किया हुआ लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं, हम शिवरात्रि के दिन इसे अभिमंत्रित करेंगे। जिन जिन लोगों को ज़रूरत हो वो ले सकते हैं, फिर उसके बाद उन्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, केवल उनको वो शिवलिंग अपने पूजा स्थान पर रखना है और उसकी पूजा करनी है। अब मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि हर प्रकार के दुख दूर हो सकते हैं। देखिए, जो पारद शिवलिंग की पूजा करता है उसके सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं, चाहे वो कर्जे में डूबा हुआ है तो शिव भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होकर उसकी जो आर्थिक तंगी को दूर करते हैं। और जो लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, फालतू के कोर्ट केसेस में वो फंसे हुए हैं, उनको भी पारद शिवलिंग का बहुत ही ज़्यादा लाभ मिल सकता है। वो भी लोग अगर पारद शिवलिंग की पूजा करें तो उन्हें भी उनके कोर्ट कचहरी के जो केसेस हैं उससे छुटकारा मिल सकता है और जीत मिल सकती है। जिन लोगों पर हेल्थ इश्यूज बहुत रहते हैं, घर में बीमारियाँ बहुत हैं, उनके लिए बहुत बड़ा लाभ है पारद शिवलिंग की पूजा करना। और शिवरात्रि बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है, इस दिन जो हम चीज़ अभिमंत्रित करते हैं उसका बहुत हजार गुना ज़्यादा फल मिलता है। तो इस दिन अभिमंत्रित, जो नियम से अभिमंत्रित किए हुए शिवलिंग, पारद शिवलिंग आप अपने घर में रखेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। जिन लोगों पर हेल्थ इश्यूज हैं वो अपनी देखेंगे कि किस तरह हेल्थ सुधरने लगी है, और जिन लोगों के घर में कला कलेश रहता है, हर वक्त नेगेटिविटी रहती है, वो इसका लाभ देखेंगे कि किस तरह उनके घर में खुशहाली आने लगी है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, आपको अपने पूजा स्थान पर अभिमंत्रित किया हुआ पारद शिवलिंग रखना है और उसकी पूजा करनी है। और कुछ ऐसा भी नहीं है कि आपको डेली पूजा करनी है, जब आपको समय मिले आपको जल चढ़ाना है, हाथ जोड़ने हैं और प्रार्थना करनी है। आप देखेंगे कि शिव बाबा, भोले बाबा किस प्रकार अपना आशीर्वाद आप पर देंगे, और जिन लोगों की संतान नहीं हो रही उनकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होती है। जिन्हें जॉब में दिक्कत हो रही है, जिन्हें गवर्नमेंट जॉब में दिक्कत हो रही है, मिल नहीं रही, आप देखेंगे किस तरह आपकी मुश्किलें, किसी भी प्रकार की मुश्किल हो, दूर होने लगेगी। बहुत सिंपल सा काम है, आपको करना क्या है, पारद शिवलिंग को लेना है। अभिमंत्रित करने की विधि मैंने आपको बता दी है, वो अगर आप खुद अभिमंत्रित करना चाहते हैं उस प्रकार अभिमंत्रित कीजिए, अगर अभिमंत्रित किया हुआ लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत बिजी रहते हैं या फिर उनके घर में इतने नियम नहीं हो पाते, तो वो अभिमंत्रित किया हुआ भी ले सकते हैं, हमें नीचे दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दो तरह के हम जो शिवलिंग है अभिमंत्रित कर रहे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। जो छोटा है वो 5100 का है और जो बड़ा है वो 9000 का है। जब आप पेमेंट करेंगे तो वो आपके नाम से बुक कर लिया जाएगा और फिर अभिमंत्रित किया जाएगा, और शिवरात्रि के बाद आपको कोरियर के थ्रू भेज दिया जाएगा। फिर आपको उसको अपने पूजा स्थान में रखकर पूजा करनी है, जब दिल चाहे तब पूजा करनी है, कोई उसमें शंका की, कोई मन में वहम लाने की जरूरत नहीं। आप घर में पारद शिवलिंग रख सकते हैं, आपको पत्थर के शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए, लेकिन पारद शिवलिंग का कोई भी वहम नहीं होता, उसको आप आराम से अपने घर में रख सकते हैं। अगर आप लेना चाहें तो नीचे दिए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, कॉल नहीं कीजिए। मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि हमारी हर दिक्कत जो है हमारे ग्रहों से जुड़ी हुई है। जब हमारे ग्रह नीच हो जाते हैं तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती हैं, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, जॉब से रिलेटेड हो, कर्जे से रिलेटेड हो। जब उपाय करके हम ग्रहों को उच्च कर लेते हैं तो हमारी हर तरह की जो प्रॉब्लम है दूर हो जाती है और हमारे जो ग्रह हैं सही हो जाते हैं, हमें अच्छा फल मिलने लगता है। लेकिन ज़रूरत है आपको एक अच्छे ज्योतिष को अपनी कुंडली दिखाने की। मैं हमेशा कहती हूँ कि सड़क पर बैठे ज्योतिष को कभी भी कुंडली मत दिखाएं, क्योंकि क्या होता है कि उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती, एक किताब पढ़कर वो ज्योतिष बन जाते हैं, उल्टे सीधे नग आपको रत्न पहना देते हैं, जिसका कि बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। कई बार मैंने देखा है, बहुत लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि उन्होंने नीलम रत्न धारण किया होता है और उनका इतना नुकसान हो रहा होता है, इतने बीमार हो गए होते हैं। ये देखना पहले जरूरी है कि रत्न आपके लिए, आप
आपको सूट करेगा भी नहीं, वो कुंडली देखकर ही पता चलता है कि आपको कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कितने रति का पहनना चाहिए और आपको सूट करेगा या भी नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि रत्न पहनने के बाद हमारी जो हालत है और गंभीर हो जाती है, खराब हो जाती है, हम और कर्जे में डूब जाते हैं, लेकिन हम इस बात को नहीं जानते। ये बात आपको एक अच्छा ज्योतिष ही बता पाएगा। तो हमेशा कुंडली एक बहुत अच्छे ज्योतिष को दिखाए जिसे नॉलेज हो, जिसे इन चीजों के बारे में पता हो। ऐसे ही आपको नग खरीद कर खुद नहीं पहनना चाहिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना जरूरी है, तभी नग पहनिए और आपकी हर प्रॉब्लम का हल हो सकता है आपकी कुंडली से। अगर कुंडली के बारे में आपको कुछ भी जानना है, आपके पास अपनी कुंडली नहीं है, आप नई कुंडली बनवाना चाहते हैं, तब भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप नीचे दिए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। आपके पास जन्म समय नहीं है, जन्म तिथि सही नहीं है, तब भी आपकी कुंडली तैयार हो सकती है। कुंडली देखने की हमारी फीस है। तो अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं नीचे दिए नंबर पर, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल नहीं करें। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन को भी दबाएं ताकि हम जुड़े रहें और आपको मेरी नई वीडियोस मिलती रहें। मैं फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।